नमस्कार। संसार क्रांति की टीम इस समारोह में मौजूद है और हमारे साथ चर्चा में शामिल है वार्ड नंबर 15 के प्रत्याशी राजेश सैनी जी। तो राजेश जी, क्या मुख्य उद्देश्य आपका राजनीति में आने का? मैं तो समाज में हर दिक्कत से रूबरू हूँ जी। मेरे को किसी का एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, मैं खुद एक एक्सपीरियंस हूँ जी। उस मादे को लेके मैं वार्ड में मैदान में उतरा हूँ जी और 100% खड़ा उतरूंगा। सबसे पहले यही मुख्य है जी। तो सैनी साहब, इससे पहले भी आपने जैसे मानव कल्याण के लिए कोई कार्य किए हैं सर्वहित के लिए? मैं तो शुरू से ही मेरे को ये नहीं है, ये मेरा वार्ड है, मेरा शहर है जी। मैंने पूरे हरियाणा में मतलब तरह तरह की, कहीं रोडवेज है, कहीं पेंशन है, कहीं किसी का पेंशन के रिगार्डिंग किसी की समस्या है, कोई बैंक की समस्या है, परिवहन की समस्या है, पुल के और रोड वगैरह टूटे फूटे है, सीवरेज है, मतलब चलती समस्या है। किसी को रास्ता भी बताना है, किसी को कोई बूढ़ा मिल गया मेरे को वहां तक छोड़ जाए, मेरे चेक इतना भी लंबा है, चलो ये जरूरतमंद आदमी है, इसको मैं मुकाम पे छोड़ गया। बिल्कुल। तो सैनी साहब, जैसे हम आप इतना अच्छा कार्य करे तो हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है, तो आपको जैसे ये मानव कल्याण के जो कार्य है, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मैं ये कहता हूँ, ऊपर वाले ने ही मेरे को एक तरह से प्रेरणा स्रोत, एक गुरु मेरे को दिया था। आज करीब 10 साल हो गए उन भक्तों को, जिससे मैं कभी ये पता था ये जानकार है, लेकिन मैं कभी उससे कम से कम 15 साल तक मेरा कोई मतलब नहीं। लेकिन एक ऐसा टाइम आया मैं उनके पास मात्र 5 मिनट बैठा हुआ, 5 मिनट में उसने मेरा कोई काम समझाया। मैंने उनको बोला आप जाओ, आपको बैठने की जरूरत नहीं, पीछे मुड़ के लिखा है। मैं आज तक उनसे कभी दुआ सलाम नहीं, कुछ नहीं। तो मैं सोचा यार, धरती पे मानव है जी, वास्तव में मानव की सेवा करने के लिए आए हैं, तो हम क्यों नहीं किसी की सेवा करें? हम ही क्यों सोचे कि इनसे कुछ मिलेगा? हमारे हाथ में दम दिया है, दिमाग दिया है, कुछ साधन दिए है, हम उन लोगों के लिए कुछ करके दिखाएं। उनसे रिवार्ड की कोई उम्मीद नहीं, करो और कुएं में डाल दो, भलाई करो और कुएं में डाल दो। जो देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, वो उसकी मर्जी है, क्या देगा नहीं देगा, हमने तो करके करके छोड़ना है। बिल्कुल, उसका बिल्कुल तो कर्म करना है बस। बिल्कुल बढ़िया। तो सैनी साहब, जैसे वार्ड की जो हम समस्याओं की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो आपके वार्ड 15 की जो समस्याएं हैं, तो आप उनका निवारण कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाए। मैं एक जी पूरे शहर की एक एक मेरे को चप्पा चप्पा पता है, और अपना वार्ड तो मैंने देखा ही हुआ है, मेरे को पता है इसमें क्या समस्या है। लोगों से मिल बैठ के करूंगा, बिल्कुल उनको आधुनिक मतलब वार्ड में वास्तव में होना क्या चाहिए जी। बहुत तरह की समस्या है जो अब उजागर कर देंगे, कोई एतराज करेगा, कुछ बोलेगा, मेरी मतलब इस पे असर गलत पड़ेगा। मैं कहता हूँ एक बार उनको सत्ता में कुछ पावर का मौका लगे, मैं बिल्कुल 100% खरा साबित हूँ, ये मेरा पहले ही वायदा है। मेरे को उम्मीद है वार्ड वाले मेरा सहयोग देंगे और मुझे उस मुकाम पे पहुँचाएंगे। तो राजेश जी, वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे आप मतदाताओं को? मतदाताओं को ये संदेश है, मैं पूरा ईमानदारी से और एक जज्बे के साथ अपने नाम से पहचान से मेरा ये शुरू से आज तक चल रहा हूँ, और अब तो ये शुरुआत हो गई है, मैंने डिस्प्ले कर दिया है, लोगों को बता भी दिया, मैं मैदान में उतर गया जी। सच्चाई से, ईमानदारी से, पूरी कर्तव्य निष्ठा से जी, मैं अपने काम में बिल्कुल सेवा दूंगा। मेरे पास 24 घंटे आए, किसी टाइम आए, उनके लिए दरवाजे खुले। बिल्कुल। तो सैनी जी का साफ रूप से कहना है कि सच्चाई और ईमानदारी से के साथ में वार्ड 15 का विकास के साथ साथ मानव कल्याण के लिए, भले ही मुझे रोहतक का कोई भी आम नागरिक हो, उसकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगा और पहले भी रहा हूं। तो संसार क्रांति की टीम इसी प्रकार से किसी न किसी शख्सियत से मुलाकात कराती रहेगी। संसार क्रांति के लिए रोहतक से मैं अजय भारद्वाज। मैं ये भी कहना जी, जी ये मेरा हरियाणा पूरा है जी। मेरे को जहां बुलाओगे, मेरे को जहां भी कोई समस्या, मैं अपने हिसाब से जाऊंगा, कहीं भी दिखेगी मैं अपने लेवल पर उसको सुधारूंगा। चाहे कैसे भी प्रयास करने पड़े, लोगों से समर्थन लेना पड़े, लोगों से सहयोग लेना पड़े, उनसे मिलूंगा और समस्या हल करूंगा। मेरा यही मुद्दा रहा कभी से, और मेरी यही सेवा दुआ में अगर मुझे मौका ये वार्ड देते हैं। तो सैनी साहब का मुख्य रूप से कहना है कि हरियाणा का या देश का कोई व्यक्ति हो, कहीं उसकी समस्या हो, उसका निवारण करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा।